हिमाचल में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर समेत कुल मिलाकर 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई तक हिमाचल में भारी बरसात की संभावना। लाहौल स्पीति प्रशासन ने लोगों को जरूरी अगर नहीं है तो यात्रा अवॉइड करें ये सलाह दी है। साथ ही लोगों से नदी नालों के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। लाहौल स्पीति जिले में प्रशासन ने भारी बरसात के बीच सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो इससे पहले हमने किन्नौर की बात की, किन्नौर में भी एडवाइजरी जारी की गई है। अब लाहौल प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरी नहीं है तो यात्रा अभी अवॉइड ही करें 3 से 4 दिन के लिए, क्योंकि अभी मौसम बेहद खराब होने की संभावना है। साथ ही नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि नदियां नाले सभी उफान पर के इस वक्त बाढ़ आने की स्थिति है और बहुत सारी जगहों पर बाढ़ आई हुई है। तो हालात कुल मिलाकर काफ़ी खराब हैं और आने वाले दिनों में एहतियातन ये एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा लाहौल स्पीति जिले में 20 से 23 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते आज जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं और जो यहां पर जो ज़िले में साहसिक गतिविधियां जो चलती हैं, जल क्रीड़ा के अंतर्गत रिवर राफ्टिंग, जिप लाइन, काइकिंग, इन उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनको सलाह दी गई है कि वो मौसम को देखते हुए अपने गतिविधियों को चलाएं। यदि मौसम खराब हो तो वो अपने जो गतिविधियां हैं उन्हें फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। इसके साथ साथ जो प्रशासन ने ये भी सलाह दी है कि जो आम जनता है और पर्यटक हैं वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि मौसम कोई भी नुकसान भारी जानी और मानी नुकसान ना हो, इसको देखते हुए वो जो है इस जो पूरे इसको जो है ना करें और ना जाएं।